और मैं स्वयं अकेला बच्चा हूँ, मेरे पास में भी दो बेटे हैं, अगर उनका इसी तरीके से कत्ल किया जाएगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से यही कहूंगा कि उनको भी मारा जाए। अगर आपसे कोई मौलाना कहे कि देश से ऊपर धर्म है तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे, धर्म ऊपर है या देश ऊपर है? नफरत ऐसे आती है कि जब तक मदरसे हैं इंडिया के अंदर जी, आपको कुछ नॉलेज है वो आपके बचपन से जवानी तक चल रही है जी, आप उसको मानेंगे? 1990s में कोई हमला हुआ था वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मिला था कि हाउ इस्लाम टेक्स ओवर ए कंट्री। मोदी आपको बढ़िया लगता है? बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। आप मोदी को वोट देंगे इस बार? जय हिंद दोस्तों, नमोकार न्यूज चैनल आपके लिए लेकर आया है फैसला जनता का एक नया एपिसोड, जिसके अंदर आज हम जानेंगे जो बदायूं में ये दर्दनाक और बेरहमी से दो मासूम बच्चों का कत्ल किया गया, दो लोगों ने, साजिद और जावेद नाम के जो लोगों ने एक कत्ल किया है, इसके पीछे उन लोगों की क्या मानसिकता रही होगी और इसमें असली गुनहगार कौन है। तो आइए जनता से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं अपनी। जो ये बदायूं में घटना हुई है इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जो ये साजिद और जावेद लोगों ने जो किया है, क्या कहीं से कहीं तक भी इंसानियत के हिसाब से सही ठहराया जा सकता है? नहीं, ये तो सरासरी गलत है। जैसे उसने बच्चे को कत्ल किया उस हिसाब से उसको दुनिया में रहने का कोई इजाज़त नहीं है, उसको भी मार दिया जाए। यूपी पुलिस ने जैसे एनकाउंटर किया आपके हिसाब से सही किया? सही किया। सही किया, सही किया। ऐसा ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे ही होना चाहिए। पर आपको क्या लगता है, मतलब ऐसी लोगों में क्या नफरत आ जाती है धर्म को लेकर, मतलब कुछ मासूम बच्चों तक को मतलब बेरहमी से मारा है? ये तो आदमी का दिमाग का सोच है, ये तो हम इसमें हम क्या बताएं, ये तो अपना अपने दिमाग के सोच है, इसमें हम क्या बताएं। जैसे आप भी धर्म से एक मुस्लिम है और अगर आपको ही कोई धर्म के नाम पर भड़काए तो आप ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये हम तो यही जवाब देने चाहेंगे कि ये भड़काऊ पे हम ना आए और ना हम भड़काऊ पे चले, हम अपना जो भी चलते हैं अपना सिद्धांत से चलते रहेंगे। अगर आपसे कोई मौलाना कहे कि देश से ऊपर धर्म है तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे, धर्म ऊपर है या देश ऊपर है? हम हिंदुस्तान चुनेंगे अपना। दो बच्चियों को बेरहमी से मार दिया, फिर पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया दोनों लड़कों का, तो इस घटना में क्या लगता है लड़के सही हैं कि धर्म के नाम पर किसी के ऊपर क्या इतनी नफरत बढ़ सकती है कि किसी को मार दिया जाए? नहीं नहीं, किसी को मारना तो गलत है जी, लेकिन पुलिस ने इनकाउंटर किया है तो मान लो कि सही करा। मान लो किसी के हमारे बच्चे ही होते, उनके जगह हमारे बच्चे को कोई ऐसे बेरहमी से कत्ल कर दे तो इस पर हम ही सोचते कि हम खुद मार देते, लेकिन पुलिस ने सही किया, बिल्कुल सही किया। आपने भैया सुना होगा बदायूं में दो लोगों ने किस तरह से दो मासूम बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया जी सर। क्या लगता है ऐसे लोगों के मतलब कैसी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? सर, सजा तो उनकी खतरनाक ही होनी चाहिए ताकि आगे को कोई ऐसा ना करे। मतलब उन मासूम बच्चों की क्या गलती नजर आती है आपको, क्या गलत किया होगा उन बच्चों ने कि इतनी नफरत उन साजिद और जावेद नाम के लोगों में मतलब इतनी आ गई कि उन्हें बच्चों को बेरहमी से मार दिया? नहीं सर, इस बारे में तो मुझे नहीं पता। अच्छा, आपकी जानकारी नहीं? नहीं, मेरी कोई जानकारी नहीं है इसमें, लेकिन अगर कोई भी गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो साजिद हो या कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, मतलब किसी भी धर्म जी, का जी जी सर, मतलब सबके लिए कानून एक जैसा होना। बिल्कुल बिल्कुल, या अभी जो मतलब वो दो मुसलमान थे उनके ऊपर होली का जबरन रंग डाला है उन्होंने, तो ये भी सर गलत है। कोई भी धर्म का हो वो गलत तो गलत ही है, गलत गलत है। आप कहाँ के? यूपी के रहने वाले होंगे ना जी? संभल भैया, तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है यूपी में, आप खुश हैं उस सरकार से? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। मतलब ऐसा लोगों के मन में भ्रांति है बहुत ज्यादा कि मुसलमानों को डरा कर रखा जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है? सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह लोग फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। सब जगह नहीं है, सब जगह नहीं है, पर कुछ जगह फायदा उठा रहे हैं। कुछ जगह पर, लेकिन जब पहले बसपा की सरकार थी या समाजवादी पार्टी थी तब हमने सुना है बहुत जगह, आज भी जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहाँ पर हिंदुओं के साथ भी गलत किया जाता है, क्या आपको लगता है ऐसा होता है या नहीं होता? देखिए सर, सब जगह एक से लोग नहीं होते जी, हर जगह अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हर जगह अलग अलग नेचर होता है, सबका अलग अलग होता है जी, तो बस वही होता है। आपका नाम भैया? हमारा मोहम्मद कलाम नाम है। मोहम्मद भाई, अभी आपको पता ही होगा बदायूं में जो घटना हुई है, अखबारों में सभी सोशल मीडिया पे इस समय जिक्र चल रहा है उस घटना का, तो आपको क्या लगता है मतलब ये जो किया है जिन लोगों ने किया है वो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई उसे ठहराया जा सकता है? देखो जी, हम तो ये कहते हैं जिसने भी गलत करा है उसकी कार्रवाई हो, जो भी क्या नाम है इसमें दुर्घटना में शामिल है अगर जो जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से उन मासूम बच्चों की क्या गलती है? कत्लेआम बोलेंगे? नहीं, अब तो कत्लेआम बोलो या दुर्घटना बोलो, जब हम थे नहीं हुआ तो हमें कैसे पता क्या हुआ। नहीं, फिर भी जो मासूम बच्चों की आपको क्या गलती नजर आती, क्यों मारा उन्होंने? नहीं, मासूम बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी, वो गलत है, जो गलत है तो गलत है। जी बताइए, आप बताइए भाई। ऐसा उसके बारे में अभी
खोजबीन हो रही है। क्या खोजबीन हो रही है? जैसे? ये हो रही है कि वो भी पार्लर चलाता था लड़का, और वो भी पार्लर घर में चलाती थी, ठीक है, आप पहले से कुछ आना जाना था, ठीक है, उसकी पुलिस खोजबीन निकाल रही है कि असलियत है क्या। ऐसे तो मार नहीं सकता था, ऐसा नहीं मार सकता कोई आदमी आके। देखो, अच्छा, मतलब आपको लगता है कोई ना कोई कारण रहा होगा? कारण है। अच्छा, आएगा नहीं आएगा आपको, मतलब ठीक है, मेरा मान लिया कारण है, कोई दुश्मनी रही होगी, लेकिन उन दो मासूम बच्चों की क्या गलती थी, उनसे क्या दुश्मनी? ये तो बहुत बड़ी हिमाकत, बहुत बड़ा क्या कहोगे, बहुत बड़ा सबका जुल्म है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। कोई और बात हो कर लेता, और कोई बात हो जाए, लेकिन इस तरह के जो है ना, अपना बदला किस चीज का उन बच्चों पे जो निकाला, ये बहुत बड़ी हिमाकत है, बहुत गलत है आपके हिसाब से। पर आपको लगता है कि कोई ना कोई वजह है, कारण है? आपको क्या कारण नजर आता वैसे? कारण क्या, यही कारण निकलते हैं, तुम समझते हो, यही कारण, यही कारण निकलते, मतलब हिंदू मुस्लिम एंगल है? नहीं 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 नहीं, और थोड़ा आप बता दो, खुल के बोल दो, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं अभी अभी नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते, कब बोलोगे? जब बोलेंगे, अभी हम अखबार पढ़ रहे हैं डेली और उसमें देख रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे? हम बागपत जिले के रहने। अच्छा, बागपत जिले के हैं। अभी जैसे योगी की सरकार है यूपी में, तो खुश हो ये योगी से या नहीं? नहीं, हम तो खुश हैं योगी से भी, लेकिन हम बागपत के, लेकिन दिल्ली में रहते। दिल्ली में रहते हो? अभी केजरीवाल को जेल चला गया, केजरीवाल कहा ईडी के बहुत समान आए थे, आपको क्या लगता है केजरीवाल ने सच में कुछ भ्रष्टाचार किया? डिसोबे किया है केजरीवाल जी ने, डिसोबे किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, और उसी का पनिशमेंट, केजरीवाल जी इतना बेईमान आदमी नहीं है। अच्छा, आदमी गुड है एकदम। अच्छा, ईमानदार आदमी है, लेकिन डिसोबे करना है, ये गलत बात है। अच्छा, सात समन आठ समन आ रहे हैं कोर्ट से। हाँ, है, ये गलत बात है इस तरीके से। मतलब केजरीवाल को जाना चाहिए था। जाना चाहिए था, हाजिर हो, जब कोर्ट बुला रही है सरकार, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। बाकी बहुत से लोग कह रहे हैं मोदी ने भिजवाया, तो क्या आपको लगता है मोदी ने? नो 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 नो, मोदी ने नहीं भिजवाया। नो, मोदी को तो और ही काम बहुत है, मोदी को तो इतना वो गुड आदमी यार, इतना गुड आदमी है मोदी। आपको बढ़िया लगता है? बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। आप मोदी को वोट देंगे इस बार? मोदी को मेरी तो अपने मोहल्ले में और कॉलोनी में इस बात से बनती नहीं है, कहते तुम तो भाजपा के आदमी को, भाजपा के आदमी, मेरी लड़ाई रहती है हमेशा। अच्छा, आपके नाम का फतवा तो जारी नहीं होता? अरे कुछ ही करते रहो, जो मुझे करना है मैं करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो भैया? मैं गाजियाबाद के रहने वाला हूँ। है जी, गाजियाबाद के रहने वाले हो, तो अभी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे ये बदायूं में जो घटना हुई है, दो मासूम बच्चों को मार दिया गया, आपने पढ़ा इस घटना के बारे में? एब्सोल्युटली पढ़ा है। पढ़ा है, तो क्या कहना चाहोगे, मतलब इतनी नफरत कैसे आती है लोगों के मन में? नफरत ऐसे आती है कि जब तक मदरसे हैं इंडिया के अंदर जी, आपको कुछ नॉलेज है, वो आपके बचपन से जवानी तक चल रही है जी, आप उसको मानेंगे जी? इधर देखो। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि भाई ये बंदा भगवान है मेरे लिए, बचपन से आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि ये भगवान है, इसको मानेंगे आप भगवान जी? मदरसे में यही हो रहा है। आपको लगता है ये इन्हीं मानसिकता का शिकार है जो ये साजिद और जावेद ने जो किया है? वो कितने साल के हैं? अंडर 25 जी, 25 साल के अंदर ही होंगे ना जी। 25 साल के अंदर में किसी को भी इतनी समझ नहीं होती कि भाई वो किसी का थ्रोट स्लिट कर दे जी। ये वही बंदा कर सकता है जो ट्रेंड है, जो जानता है, जिसे सिखाया गया, मतलब सिखाया गया है, या तो जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं सर्जन वगैरह। मैं स्वयं अकेला बच्चा हूँ, मेरे पास में भी दो बेटे हैं जी। अगर उनका इसी तरीके से कत्ल किया जाएगा जी, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से यही कहूंगा कि उनको भी मारा जाए। ना उसे ये पता चलना चाहिए उसने मारा क्यों है, आखिर उसकी वजह क्या है। अगर हम एनकाउंटर कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा मारा क्या है, वजह क्या है। भाई उन्हें बोला है, जिनके बच्चे मरे वो बोल रहे हैं हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। जो वजह होती है मदरसे में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, आप किसी भी मुस्लिम बच्चे को लीजिए और किसी हिंदू बच्चे को लीजिए, दोनों के व्यूज लीजिए। जैसे आप मेरे साथ इंटरव्यू करें उनके साथ कीजिए, मुसलमान बच्चा बोलेगा मेरे को मुजाहिद बनना है, हिंदू का बच्चा बोलेगा हरे कृष्णा हरे रामा, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, सात्विकता है, वो सात्विकता है। और जो ये जो मुजाहिद बनते हैं, क्यों बनते हैं ये, इसके तीन प्रोसेस होते हैं, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, दारुल अमन, तीन चीज़ें होती हैं विच आर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन परसेंटेज, समझ रहे हैं आप। पॉपुलेशन जब 10 से 15 से 20% होती है, तब ये जिस अपोजिट कम्युनिटी में है वहाँ पर ये घुल मिलकर रहेंगे जी। आपको दावत देंगे कि आप हमारे ईदी में आएंगे और हम आपके होली में आएंगे, इस तरीके से जी। फिर सेकंड इशू आती है जिसमें थोड़ा थोड़ा आपका ये करते हैं कि थोड़े थोड़े प्रोटेस्ट करते रहिए, प्रोटेस्ट करते रहिए, थोड़ा हमला करते रहिए, ताकि इनकी जो शरीयत है जी, वो
लागू हो सके। थर्ड स्टेज होती है जिसमें इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है दूसरी कम्युनिटी से। इट इज़ नॉट हैपनिंग ओनली इन इंडिया, कश्मीर में। हाँ, वो इंडिया में रीजन्स हैं, वेस्ट बंगाल, कश्मीर, केरला, हैदराबाद, तेलंगाना, वो रीजन्स हैं। इट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंस 700 AD, 700 ईस्वी से वो हो रहा है। वो दारुल हरब, ईमान, दारुल इस्लाम, तीन चीज़ें बताई मैंने आपको। ये नरेंद्र मोदी ने 10 से 12 साल पहले बताती थी, और CIA ने इन दे रेडेड सम, वहाँ पर भी कोई आतंकवादी हमला होता, CIA इन 1990s में कोई हमला हुआ था, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मिला था कि हाउ इस्लाम टेक्स ओवर ए कंट्री, इस रीजन को, कंट्री को कैसे टेक ओवर करता है। एब्सोल्युटली कुछ क्राइटेरिया होते हैं कैसे सेट करता है, छोटे टाउन में करते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर वेपन होते हैं, सब चीज़ें होती हैं भाई, मंडी जिहाद, कबाड़ी जिहाद और फल फ्रूट जिहाद। पर आपको लगता है मोदी के प्रधानमंत्री बनने से, जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, तब से ये चीज़ें कम हुई हैं भाई? ये बड़े लेवल पे कम हो रही हैं, और छोटे लेवल पे जब कम होगी कि जब स्मॉल लेवल पर भी मोदी जैसे ही बनने आएंगे, Absolutely. आपको लगता है यूपी में बहुत कंट्रोल है जब से योगी आदित्यनाथ? कंट्रोल है, मैं तो भगवान मानता हूँ उनको, मैं तो हरि नारायण मानता हूँ उनको, योगी जी को। तो आपको लगता है योगी ने फिर भी बहुत सफाया किया है? सफाया किया है, दुनिया की सबसे पहली RRTS दिल्ली टू मेरठ वो सिर्फ यूपी के अंदर है। गोवा पहले नंबर वन पर था, गोवा पहले नंबर वन पर था एज ए टूरिस्ट स्पॉट, जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा था, 17 to 80,000 crores पर ईयर। यूपी के अंदर पिछले साल में 20,000 करोड़ रेवेन्यू आया है, जस्ट बिकॉज राम मंदिर के बनने के बाद, और काशी विश्वनाथ जो आपका कॉरिडोर आया है उसके बाद। अभी बताइयों में जो घटना हुई, आपके सुनने में आया होगा, दो मासूम बच्चों को बेरहमी से मार दिया साजिद और जावेद नाम के व्यक्ति ने, आपको क्या लगता है इसके पीछे कैसी सोच रही होगी? ये तो घटिया सोच है मोमडनों की, जो इस तरीके से वो कर रहे हैं। अभी भी आपको लगता है हमारे बीच में ऐसे लोग हैं? हैं, अभी हमारे बीच में, खत्म कर देंगे योगी जी सबको, योगी जी कर देंगे, सफाया कर देंगे, सफाया कर देंगे। तो मित्रों, आपने जाना, सभी लोगों की अपनी अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन जो बात मदरसे की कही गई है यहाँ पर, कि मदरसे से कहीं ना कहीं ऐसी सोच का जन्म होता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए नमोकार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।